पाकिस्तान ने भारतीय जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की सेहत की सूरत हाल पर तश्वीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि आलमी बरादरी कश्मीरी रहनुमा के साथ गैर इंसानी सलूक का नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने एक बयान में कहा कि भारतीय जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक ने 1 अप्रैल से गैर मुअय्यना मुद्दत तक भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है और इस रिपोर्ट पर पाकिस्तान को शदीद तश्वीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ने यासीन मलिक समेत मुतअद्दिद हुर्रियत रहनुमाओं को तिहाड़ जेल में रखा हुआ है और उनको अदालत में भी पेश नहीं किया जाता। भारत कश्मीरी रहनुमाओं को कैद में रखकर मकबूजा वादी के अवाम को महकूम नहीं बना सकता। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक के साथ गैर इंसानी सलूक का नोटिस ले, जबकि भारत यासीन मलिक पर आयद किए गए झूठे इल्जामात फौरी वापस लेते हुए उन्हें रिहा करे, क्योंकि यासीन मलिक को आलमी कन्वेंशन के तहत मुनासिब इलाज की जरूरत है।